और इनकी क्या चल रहा है? कुछ नहीं, बस चल रही है लाइफ, चल रही है। क्या कर रहे, क्या लाइफ कैसे चल रही है, वही तो पूछ रहा हूँ। नॉर्मली है और क्या ही है, बस पीजी का पंगा पड़ा रहा है। कर क्या कर रहे यार, पीजी में खाना ढंग का नहीं है, कोई फैसिलिटी नहीं है। पहले स्टार्टिंग में जब आए थे तो खाना एकदम बढ़िया बढ़िया से दे रहा था। हाँ, जाते जाते खाना भी कम हो गया भयंकर। तो फिर अब क्या प्लान है? मिला पीजी? अच्छा, तो पीजी नहीं मिला, सारे पीजी देख रहा, सारे का सेम हाल है। बोलते सब बोलते पहला एक महीना अच्छा देते हैं पीजी की स्टार्टिंग में, उसके बाद अच्छा नहीं देते। सर पीजी का यही हाल चल रहा है भयंकर यहाँ पे। और ये भी तो है ना यार, सारे पीजी ऑलमोस्ट फुल हो पड़े हैं यहाँ भी। सारी फुल हो रखे हैं, कहीं पीजी भी नहीं मिल रहा। मिल रहे तो रेंट ज्यादा बोल रहे हैं भयंकर। कितना बजट क्या है तेरा? मेरा देखो यार 5-6,000 बजट है पीजी का। सही में इतने में मैं कराऊं तेरा पीजी में? एक पीजी मैंने देखा हुआ है। चल चलते हैं फिर उसकी बात। चल चल वो दिखा के लाता हूँ। मतलब मैं देख के आया था कल परसों में, मेरे को ठीक लगा वो, अंदर से मैं देख के आया था। अभी न्यूली ओपन ही हुआ है तो फैसिलिटीज वगैरह सब है अभी, और धीरे धीरे अपग्रेडेशन तो देख चलती रहती है वहाँ पे। चल फिर चल चल चलते हैं फिर। बस भी ये देख, दिखाओ यार भैया, रूम दिखाओ। अच्छा सा हर रूम में एक गीजर अवेलेबल है गाइस, हर रूम में वाईफाई अवेलेबल है, गीजर अवेलेबल है, हर एक रूम का सेपरेट है। यहाँ पे भाई ये पीजी लेने का फायदा क्या है? ग्रोसरी शॉप नियर बाय है, वेजिटेबल शॉप नियर बाय है, एक अच्छा एकदम बढ़िया एक रेस्टोरेंट खुला है अभी यहाँ पे, वो भी एकदम खाना उसका एकदम बढ़िया है, ट्रेडिशनल टेबल, उसमें भी आगे आप खा सकते हो, अच्छा खाना है वहाँ पे। और जो स्टेशनरी की जरूरत पड़ती है अपने को वो भी यहीं पे है, बाम्बर की जरूरत पड़ती है अपने को, सब चीजें यहाँ पे अवेलेबल है, अपने को जरूरत नहीं है। और बस स्टैंड यहाँ से 500 मीटर बस स्टैंड जाना है यहाँ पे से, तो बेस्ट लोकेशन है, बेस्ट पीजी है अपने कॉलेज के बिल्कुल पास है। अंदर कॉलेज यहाँ से होगा अराउंड अराउंड 1.5 और 1.8 किलोमीटर। जैसा कि अभी बताइए ना, डिस्कस कर रहे थे हम पीजी देखने आएंगे, पीजी देखने आएंगे, तो आज के पीजी देखने के लिए मेरे को यार ओवरऑल सब कुछ अच्छा लगा इस पीजी में। कई पीजी में क्या होता है कि दो बंदों की एक अलमीरा होती है, तो उसमें क्या होता है यार, किसी बंदे का सामान ज्यादा होता है, किसी का कम होता है, तो उसमें काफी ज्यादा दिक्कत आती है। बट यहाँ पे इस चीज की टेंशन फ्री रहो, हर बंदे को एक अलमीरा मिलेगी उसके हिसाब से, और हर रूम में वाईफाई अवेलेबल है, गीजर अवेलेबल है, सब कुछ बढ़िया है, एकदम प्रॉपर नीट एंड क्लीन, दोनों टाइम सफाई होती है यहाँ पे। काफी बंदे इस पीजी में रह रहे हैं, काफी लोग रह रहे हैं, उनका रिस्पॉन्स भी हमने पूछा है कि उनको कैसा लगा, उनको भी अच्छा लगा पीजी ओवरऑल। अब क्या है कि यार सब जगह पीजी है, वो चीज एग्री कर गया मैं, बट अच्छा पीजी जिसमें नॉर्थ का भी फूड हो, साउथ का भी फूड हो, वो चीज ढूंढने में दिक्कत होती है। तो इस पीजी में आपको ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी, नॉर्थ का भी फूड है, साउथ का भी फूड है, और इस रूम में मेरे ख्याल से कोई ऑलरेडी रहता भी है, क्योंकि देखो शीट भी चाहिए और जो अलमारी है अलमीरा है उसमें भी लॉक लगा हुआ है। और बेसिकली जो ये वाला रूम है ये है टू शेयरिंग का, इसमें दो बंदे आराम से रहते हैं। और we'll be right back.
तो कोई मतलब कि फिफा की कल शेयरिंग है सो थ्री है फुल शेयरिंग का क्या प्राइस है 6,500 और डिपॉजिट क्या रहेंगे बजट का 3,000 रुपीस फ्री शेयरिंग का फ्री शेयरिंग 5,500 डिपॉजिट सेम 7,000 और फोर का 5,000 और अब जैसे शायद हम कॉलेज वाले बनते हैं कॉलेज में क्या होता है कि फ्रेंड्स बनते हैं बहुत सारे बॉन्डिंग बढ़िया बनती है अगर किसी को चाहिए कि फाइव शेयरिंग में रहना है सिक्स शेयरिंग में कन्वर्ट करना है तो आप यहाँ पे आपको मिलेंगे अपने नाम के भैया बाबू बाबू भैया मिलेंगे अपने यहाँ पे आके इनसे डिस्कस करूँ कि जो भी नीड आपको जितनी शेयरिंग की भी नीड है जो भी कोई दिक्कत आएगी बाबू भैया यहाँ पे इस पीजी में ये रिस्पॉन्सिबल है बढ़िया एकदम फैसिलिटी देंगे आपको यहाँ पे वॉशिंग भी तो टू टाइप की वॉशिंग है अगर किसी को वॉशिंग मशीन में वॉश करना है या फिर कुछ कपड़े होते हैं जैसे वाइट कपड़े होते हैं हमारे नॉर्मली हम लोग हाथ से साफ करते हैं तो यहाँ पे हैंड वॉशिंग एरिया भी एकदम परफेक्ट है कोई दिक्कत नहीं है नंबर जगह लगी है पीस एकदम यहाँ पे ठीक है एंजॉय करना है ट्रिप लेनी है यहाँ पे आ जाओ ऊपर छत पे ठीक है बैठ के लेक का व्यू भी मिलेगा आपको चारों तरफ से लेक का व्यू मिलेगा तीनों तरफ से एक दो और ये देखो तीसरा बढ़िया और वेदर तो आप बाकी देख ही सकते हो पीछे कितना सेक्सी हुआ हुआ है बारिशें चल रही है यहाँ पे तो हर टाइम ऐसे ही वेदर रहता है फिजी की लोकेशन देख लो एचएल कंपनी है वो दिखा दे एचएल कंपनी बिल्कुल नियर बाय है वो रही हमारी एचएल कंपनी सब कुछ नियर बाय है यहाँ पे हर चीज की फैसिलिटी अवेलेबल है फ्रिज है यहाँ पे वॉशिंग मशीन है वाईफाई हर एक रूम में बेड है प्रॉपर अलमीरा प्रॉपर है सब चीज ओके है आपकी रिपोर्ट फ्री टाइम फूड अवेलेबल है नॉर्थ है साउथ है बढ़िया अपना फूड बनेगा यहाँ पे आराम से खा के जाओ सुबह सुबह के फूड टाइमिंग क्या है भैया 7:30 to 10:30 और आफ्टरनून की 12:30 बढ़िया है फिर तो यार कॉलेज वाले बंदों के लिए अपना कॉलेज ऑलमोस्ट 12-1 बजे तक खत्म हो जाता है जूनियर्स के लिए अराउंड है ना हॉस्टल में हमारे साथ क्या सीन बनता था भाई हम जब भी जाते थे खाना बिल्कुल मिलता ही नहीं था तो अब यहाँ पे खाने की टेंशन नहीं है तुम लोगों को आओ आईजी में ज्वाइन कर लो बढ़िया अच्छी बात है यहाँ पे अपना पीजी लो बढ़िया रहो खाना पीना वजन करो और मतलब यहाँ इस पीजी में रिस्ट्रिक्शन तो नहीं है कि रात को लेट नाइट नहीं जा सकते बाहर नहीं जा सकते बस क्योंकि मोस्टली पीजीज में ये दिक्कत होती है कि तुम लोग रात को बाहर नहीं जा सकते इमरजेंसी आ जाए कुछ तुम लोग कहीं नहीं जा सकते ना कोई बंदा आ सकता और एक चीज और पूछनी थी अब फॉर एग्जांपल कोई फ्रेंड आता है हमारा इस पीजी में हम रह रहे हैं यहाँ पे ठीक है तो अब कई पीजीज में बंदे अलाउ नहीं करते कि नहीं हम नहीं आने देंगे ऐसा नहीं होगा तो ऐसा अच्छा है यहाँ पे अलाउ करोगे बढ़िया अपना आए फ्रेंड बैठ के जाए थोड़ी देर बातचीत हुए तो भाई ये भी बढ़िया सॉर्टेड सीन है यहाँ पे अपना फ्रेंड आए कोई भी अपना बुला सकते हैं हम लड़की नहीं होनी चाहिए मेन बात लड़की नहीं होनी चाहिए लड़का ओनली क्योंकि बॉयज पीजी है ये है ना भैया क्योंकि फिर बाद में दिक्कत होगी यार ऐसा कर भैया अगर हमारी वीडियो के थ्रू कोई बंदे आते हैं तो उनको डिस्काउंट वगैरह कुछ बिल्कुल मिलेगा तो भैया आके अगर आप इस पीजे में आ रहे हो स्टे करने के लिए इन बंदे को कॉन्टेक्ट करना हमारा नाम लेना कूपन कोड आ जाएगा वो कूपन कोड इनको बता देना उसके अकॉर्डिंग अपने आप डिस्काउंट करके आपको फाइनल प्राइस बता देंगे जितना हो सकेगा उतना कम लगवाएंगे आप लोगों को और बढ़िया फैसिलिटी करवाएंगे अरेंज और जो यहाँ पे लेके ये भी 100 to 200 meters के डिस्टेंस में ही है बढ़िया अपना आओ वो मजे करो बस स्टैंड जो है वो भी मैं फिर से बता देता हूँ 500 meters पे ही बस स्टैंड है और अपना कॉलेज भी बिल्कुल पास ही है अपना आराम से रैपिडो भी मिल जाते हैं आपके उबर ओला जो भी अब कई भी चीज ऐसे होते हैं कई एरियाज ऐसे होते हैं जिसमें रैपिडो नहीं आ पाती उबर नहीं आ पाती इमरजेंसी के टाइम में बट यहाँ पे सब चीज़ें सॉर्टेड है बढ़िया सीन है आओ रहो मजे करो भाई अगर आप अपने हमारी वीडियो देख के हमारे यूट्यूब चैनल के थ्रू आ रहे हो तो अगर आपको चाहिए कि टॉप फ्लोर पे रूम मिले तो वो भी हो जाएगा बट क्या है कि आपको नाम बताना पड़ेगा वो कूपन कोड यूज करना पड़ेगा यहाँ पे आके और मतलब की अभी किसी के रिस्टोरेंट है वो भी हो जाएंगे 5-7 दिन में दोनों साइड में भी सीसीटीवी इंस्टॉल हो जाएंगे तो पार्किंग के लिए भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि आप सोचो कि हाँ सीसीटीवी नहीं है तो पार्किंग के लिए टेंशन हो जाएगा सब कुछ क्लियर है
राघव मित्तल ब्लॉग पे फोकस करूं। ये देखो यार, ये अपनी लेफ्ट पार्टी, लेफ्ट साइड की पार्टी, यहाँ पे फुल बढ़िया स्पेस है, आराम से पार्किंग हो सकती है, फोर व्हीलर की भी, टू व्हीलर की भी अगर कोई थ्री व्हीलर लेके आता है तो उसकी भी पार्किंग हो जाएगी यहाँ पे।